हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, सब्जेक्ट कोड IE309। देखिए, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है पुश बटन। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये पुश बटन का फिजिकल चित्र बनाया गया है और अंदर जो इसके कॉन्टैक्ट्स है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आप फिगर ए में देखिए और फिगर बी में देखिए, दो अलग अलग तरह के कॉन्टैक्ट्स दिखाए गए हैं। तो दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं इसमें, एक होता है एन सी और एक होता है एन ओ। एन ओ मीन्स नॉर्मली ओपन और एन सी मीन्स नॉर्मली क्लोज्ड। तो जैसे इस पुश बटन में, आप जैसे इस पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो एन सी कॉन्टैक्ट तो एन ओ बन जाएगा और एन ओ कॉन्टैक्ट एन सी बन जाएगा। उसी तरह से इस डायग्राम में देखेंगे तो इसमें जब आप इसको प्रेस करेंगे उस बटन को, तो देखिए इसमें भी जो एनओ बना हुआ है वो एनसी बन जाएगा और जो एनसी बना हुआ है वो एनओ बन जाएगा। ये जो डायग्राम बताया गया ये प्रेस्ड कंडीशन में बताया गया, ये अनप्रेस्ड कंडीशन में दिखाया गया। तो उस बटन जनरली अपन किसी सर्किट को, मोटर को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए अपन काम में लेंगे, जो हर सर्किट में करीब करीब काम आता है पुश बटन। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप कॉन्टैक्टर दिखाया गया है। तो कॉन्टैक्टर बेसिकली क्या होता है, ये डायग्राम दिखाया गया कॉन्टैक्टर का अंदर का, जिसमें एक कॉन्टैक्टर कॉइल होगी और एक आर्मेचर होगा। जैसे ही आप कॉन्टैक्टर कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो आर्मेचर अट्रैक्ट होगा एक मैग्नेटिक फोर्स के कारण, और जैसे ही अट्रैक्ट होंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। ये जैसे तीन कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन बता रखे हैं तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे, और उसी तरह से दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसमें दिखाए गए हैं। ये तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में भी एक एनओ है और एक एनसी है। तो जैसे ही कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा, एनओ जो है एनसी बन जाएगा और एनसी एनओ बन जाएगा। तो इस तरह से कॉन्टैक्टर काम मतलब वर्क करता है। और ये कॉन्टैक्टर थ्री फेज कॉन्टैक्ट्स बनाता है। देखिए आर, वाई और बी, ये तीन फेज में आप थ्री फेज लोड को, जो एसी लोड होता है थ्री फेज को, उसको ऑन और ऑफ करने के लिए काम आता है। तो ये सबसे ज़्यादा जनरलाइज्ड, जैसे मोटर में, मोटर जो थ्री फेज है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए कॉन्टैक्टर, क्योंकि ये हायर कैपेसिटी करंट का है इसलिए ऑन और ऑफ करने में सक्षम है। और जैसे ही कॉन्टैक्टर कॉइल एनर्जाइज होगी, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और जो सप्लाई है वो लोड को मिल जाएगी। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट है थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले का बेसिक फंक्शन ये होता है कि क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा, किसी भी लोड में करंट फ्लो होगा, तो ये सीरीज में लगा देते हैं। थर्मल ओवरलोड रिले जो है लोड के सीरीज में लगा देते हैं, तो लोड करंट इस कॉइल में से फ्लो होगा। और इसमें एक देखिए बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी हुई होती है, तो जब करंट इसमें फ्लो होगा तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है हीटेड होगी, और हीट होने से क्या होगा, इसका जो ये किनारा है मेटल का ये बैंड होगा, और जिससे जो कॉन्टैक्ट्स है उसको ये चेंज कर देगा, एनओ कॉन्टैक्ट्स को एनसी बना देगा और एनसी कॉन्टैक्ट को एनओ बना देगा। तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर लोड से ज़्यादा करंट जब हो जाएगी तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप हीटेड हो जाएगी और उससे कॉन्टैक्ट्स चेंज हो जाएंगे, और इन कॉन्टैक्ट्स को अपन लोड को ऑफ करने के लिए काम में ले सकते हैं। कि मान लीजिए मोटर की हीटिंग ज़्यादा हो गई या करंट मोटर ने ज़्यादा ले लिया, एक कैपेसिटी से ज़्यादा करंट ले लिया, मान लीजिए कोई फॉल्ट हो गया और उससे ज़्यादा करंट ले लिया उसने, तो मोटर को अपन इन कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते हुए मोटर को ऑफ कर सकते हैं अपन, ताकि मोटर का प्रोटेक्शन हो जाए। तो इस तरह से ये थर्मल ओवरलोड रिले बेसिकली प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें मैंने कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले को साथ में दिखाया। तो ये तो देखिए कॉन्टैक्टर है, देखिए ये मेन सप्लाई आ रही है थ्री फेज सप्लाई, और कॉन्टैक्टर जुड़ा हुआ है जो कि लोड को ऑन ऑफ करेगा, और यही आगे कॉन्टैक्ट के सीरीज में थर्मल ओवरलोड रिले लगा रखा है, फिर उसके बाद में ये लोड को जाएगा, जैसे मोटर को जाएगा। तो जनरली देखिए कॉन्टैक्टर और थर्मल ओवरलोड और मोटर, थ्री फेज मोटर जो लोड है वो आपस में सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। तो जब करंट ज़्यादा होगा तो थर्मल ओवरलोड ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप सेंस करेगी करंट को, ज़्यादा जब हो जाएगी तो उससे ये कॉन्टैक्ट ऑन और ऑफ हो जाएगा, एनओ जो है एनसी बन जाएगा या एनसी एनओ बन जाएगा, और इस कॉन्टैक्ट को फिर अपन जो है मोटर को ऑफ करने के लिए काम में ले सकते हैं।
ज़्यादा डिटेल अपन आगे की जो स्लाइड्स देखेंगे, सर्किट्स देखेंगे, उसमें समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच आप जानते हैं कि किसी भी पैरामीटर प्रोसेस में कोई भी पैरामीटर एक लिमिट से एक्सीड हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रेशर है, तो प्रेशर एक लिमिट से एक्सीड हो गया तो वो डेंजरस हो सकता है। जैसे बॉयलर में मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो लिमिट से एक्सीड हो रहा है तो वो डेंजरस हो सकता है। तो अपन चाहते हैं कि लिमिट से एक्सीड नहीं हो। जैसे ही उस पर्टिकुलर लिमिट को पार करे, वो पर्टिकुलर बॉयलर में जो स्टीम बन रही है उस स्टीम को बनना रोक दे। तो उसके लिए अपन को कैसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, तो लिमिट स्विच क्या करेगा, प्रेशर को डिटेक्ट करेगा और उसमें भी एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट होंगे। तो जैसे ही प्रेशर पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड होगा, एनओ कॉन्टैक्ट एनसी बन जाएगा और एनसी एनओ बन जाएगा। और इसको अपन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज कर सकते हैं ताकि उस हीटर की सप्लाई को ये कट ऑफ कर दे, बॉयलर की हीटर जो लगा हुआ है उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर दे, जिससे बॉयलर जो है बच जाएगा, एक्सप्लोड नहीं हो पाएगा प्रेशर की लिमिट को एक्सीड होने से। तो इस तरह से लिमिट स्विच किसी भी तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए लिमिट स्विच हो सकते हैं। जैसे टेम्परेचर के लिए लिमिट स्विच हो सकता है, प्रेशर के लिए लिमिट स्विच हो सकता है, लेवल के लिए हो सकता है। जैसे अपने घरों में पानी की टंकियों में लगा रखा होता है लिमिट स्विच, जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल रीच हो जाता है तो वो मोटर की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। तो किसी भी पैरामीटर के लिए अपन लिमिट स्विच जो है यूज कर सकते हैं। बाजार में मिलते हैं लिमिट स्विच डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए, उसको अपन सर्किट में पर्टिकुलर पैरामीटर को एक लिमिट से एक्सीड करने के लिए, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है देखिए, टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले में बेसिकली दो कंपोनेंट है, एक तो होता है टाइमर जिससे कि अपन टाइम सेट कर सकते हैं, और दूसरा है कॉन्टैक्ट्स। और कॉन्टैक्ट्स दो कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किए होते हैं, एक एन सी कॉन्टैक्ट होता है, एनओ कॉन्टैक्ट होता है, जो कि आप सर्किट में यूज कर सकते हैं। घरों में आपने देखा होगा जैसे वॉशिंग मशीन में होता है टाइमर लगा हुआ होता है, आपने 15 मिनट का टाइमर सेट कर दिया तो 15 मिनट बाद में मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो टाइमर से तो आप टाइम सेट करोगे और कॉन्टैक्ट्स जो है सप्लाई को कट ऑफ करने या जोड़ने के लिए काम में ले सकते हैं। टाइमर ऑफ के लिए भी कर सकते हैं आप, ऑफ टाइमर, जैसे मशीन में आपने 15 मिनट लगाया और 15 मिनट बाद में मशीन बंद हो जाएगी। ऑन टाइमर भी यूज कर सकते हैं कि 15 मिनट बाद में मशीन ऑन हो जाए, ऐसी भी एप्लीकेशन हो सकती है। उसी तरह से देखिए, घरों में जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं तो उसमें भी टाइमर लगा होता है, आपने टाइमिंग सेट कर दिया कि भाई 15 मिनट बाद में अपनी को पता है कि ये बेक हो जाएगा तो अपना टाइमर से जो है सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, तो अपने आप वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये टाइमर की एप्लीकेशन है, कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट में यूज़ होगी तो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर अपन यहीं कंक्लूड करते हैं, इस लेक्चर का एंड हो जाता है। थैंक यू।